Assalamu alaikum everyone, my name is Zara Ahmed and I am your host for the fourth episode of The Twelfth Man. With me I have Hamad, co-founder MCM Tasir and Ali. Ali, yes, Ali, sorry Ali. Alright, so basically our topic... sorry, go extra. But he got us his place, so thank you so much. Alright. He got the place. So yes, thank you DK for giving us the space so that we can do this episode. Achha, so basically in this episode, we will be talking about Pakistan's street performance for the year of 2017. But before we jump into that, I would ask Tasir, if you can recap the last episode, sa recap kar dein. How was it? Any comments, any feedback? पिछला एपिसोड हमारा काफी अच्छा गया था. I think we discussed the Ashes Test series पिछली जितनी भी हुई हैं up until now. बड़े हमने predictions दिए थे अपनी तरफ से and माशाल्लाह speaking of those predictions बड़ा fit scene हुआ Ashes Test में. Phenomenal play by Australia once again. बल्कि पिछले पूरे weekend पे cricket बड़ी अच्छी हुई है. Australia and England तो हो ही रहा था but Srilanka and India का test हो रहा था and then New Zealand and West Indies. वो भी एक बड़ा फिट मैच हुआ बिकॉज वेस्ट इंडीज के साथ वही बात जो हमारे साथ हुआ था लॉस्ट बाय इनिंग्स इन 67 रन. हालांकि क्रेग ब्रैडफोर्ड प्लेड प्रीटी वेल बट न्यूजीलैंड के नील वैगनर 7 विकेट्स फॉर 39 रन फोर्थ बेस्ट बाय न्यूजीलैंड. वो उन्होंने फटका दिया उस मैच में एंड सरप्राइजिंगली अभी सेकंड मैच उनके शुरू होने वाला है एंड पहले मैच में टिम साउदी नहीं खेले तो ये उनके टिम साउदी वापस आएंगे तो फिर तो अच्छा ओपन किया इन्होंने बट वो एक विकेट गिरने की देर होती है तो वेस्ट इंडीज वो तो इंग्लैंड के साथ भी यही है. और वो जिस तरह कैच स्क्रीमर जिसको कहते हैं ना परफेक्ट सेंस ऑफ द वर्ड वो स्क्रीमर था वो और अ परफेक्ट पिक्चर फॉर फ्यूचर क्रिकेट वासीम. नेथन लाइन गोल्ड से नेथन लाइन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल गोल्ड से जाना सुपरमैन बन गया उसकी एक्चुअल गेम बनी है जिसमें बॉल पकड़ा है और उसको प्रॉपर सुपरमैन का कॉस्ट्यूम पहना दिया है. मैं शेयर करूंगा पेज पे शेयर करेंगे लेकिन वो एक्चुअल गेम बन गया. बेसिकली डिड वॉज उसने इस तरह कैच पकड़ा था so, अब उस पे वो क्योंकि जस्ट लाइक सुपरमैन हु इज फ्लाइंग तो पूरा कॉस्ट्यूम पहना के उसको उन्होंने गेम बना दिया. आई सीन कमाल हो गया. और उसके बाद विद इन दैट सेम मैच तीन पॉइंट बोल्ड हुए थे उस ब्रेक के बाद और मिचेल स्टार्क बेस्टो ने शॉट खेली है. स्टार्क में जो रिएक्शन होता है फास्ट बॉलर का अपनी बॉलर उसने यू हाथ किए वो बॉल हाथ से लगी बलून के फोड़ के उसने कैच हो गई एंड अदर स्क्रीमर कैच तो यार बटेरा कहते हैं. तो इंग्लैंड जितना मर्जी अच्छा खेल लेता ना वो मैच उनकी किस्मत में नहीं था जो ये दो कैच हो गए. उसके बाद थर्ड जो बड़ा अच्छा मैच हो रहा है फिर टेस्ट क्रिकेट लवर तो वीकेंड बड़ा हैवी था. थर्ड मैच में अगर आप देखें तो दिस वाज श्रीलंका एंड इंडिया. इंडिया वाज क्रूजिंग टुवर्ड्स अनदर विन पुणे ना होने लगे थे धोनी के अंदर मर्जी से पहले डिक्लेयर करना पड़ गया एंड देन वो बैटिंग करने आए फिर वो बड़ा इशू था. इंडिया का अगर अपना बॉलर भी वॉमिट कर रहा है शामी ने नोट करने वाली शामी ने पहले मैच अब जाके एक टीम ने इंडिया में 100 से ज्यादा ओवर्स खेले और मैच बचाया और दिस इज द फिफ्थ टाइम दिस हैपेंड इन हिस्ट्री इंडिया के अंदर. हमने भी तो खेला था एक मैच 2007 वाला मिसबा 161 वाला उसमें 100 ओवर्स नहीं हुए 90 कुछ थे प्रॉब्लम लग तो यही रहा था कि 100 ओवर हो गए 200 ओवर लगता है खेले तो ये जब जीते हैं और इसमें श्रीलंका का जो ओपनर वो डेब्यूटेंट था रोशन सिल्वा वो आया पहले इनिंग्स में डक सेकंड में अनबीटन 74 धनंजय डे सिल्वा वो पहली इनिंग्स में कुछ खास नहीं खेले दूसरी में रिटायर हुए लेकिन 114 नॉट आउट थे. तो ये बड़ी फिनोमिनल बात है क्रिकेट बड़े मजे की रही है एंड इंडिया इज नाउ गोइंग टू साउथ अफ्रीका कोहली इज नाउ गोइंग टू साउथ अफ्रीका अनबीटन
the same way Steve Smith came to Sri Lanka unbeaten for Steve Smith ke saath beating ho mein pata hai lekin but more importantly is time India apne us pe inhone record grab kar diya Australia ka 9 consecutive series not lost to ab kya bolu kya ho sakta South Africa will be very South Africa mazay ki series hogi England ka yaar matlab I don't know unke conversion rate bahut bura hai जो रूट ने जो है वो जो रूट की सेकंड के बाद वो इस सीरीज की 50 कर रहा है वो 50 कर रहा है वो एवरेज ऊपर खेल रहे हैं उसकी जो एवरेज है ऑफ स्कोरिंग 50 रन इट्स वे बेटर देन ऑल ऑफ हिज कंटेंपरेरी प्लेयर्स लेकिन उसका जो कन्वर्जन है दैट्स वन ऑफ द वर्स्ट यस इंग्लैंड की बड़ी इनिंग्स नहीं खेली हां बड़ी इनिंग्स नहीं खेली और मेरे ख्याल इंग्लैंड की पूरी टीम ने जितने सेंचुरीज की है उससे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के दो बैट्समैनों ने कर लिए कन्वर्ट जीवन स्मिथ का बयान आया था कि आप लोग एनी वेज सो ऑब्वियसली डिटेल्ड एनालिसिस तो ये मैं आ रही हूँ अभी ट्रैक पे सो बेसिकली एनालिसिस तो डिटेल ये तीन माहिरीन देंगे बट इफ यू लुक एट द बिगर पिक्चर आई थिंक इट वाज अ मिक्स्ड ईयर फॉर पाकिस्तान We didn't do so well in terms of test series, right? But we did quite well, I think, limited cricket ke perspective se. So if you can like give a detailed feedback on ki kis tarah ki performance rahi test ki. Series hamari na, I'm someone who thinks T20 is a parody of cricket. So mere liye T20 ko khas wo nahi hota. Wo koi bhi jeet sakta hai, kabhi bhi jeet sakta hai. Test match hota hai sahi test of character teams ka, sab cheezon ka. So we बड़ा हमारा मिक्स प्लेयर गुजरा साल शुरू हुआ यूनिस खान ने 175 किया ऑस्ट्रेलिया में मैच हम वो हार गए एंड देन वी वेंट टू वेस्ट इंडीज तो वो मिसबा और यूनिस की हमारी लास्ट सीरीज थी उसमें हम चले गए एंड पहला मैच हम जीते और बड़े एक्साइटेड थे हम जीतेंगे सेकंड मैच में हमने टिपिकल एक कलैप्स दिया पाकिस्तान स्टाइल वो मेरे लिए बड़ा सैड था बिकॉज मैं अपना जरा इवनिंग एक्टिविटीज को टेल करके मैच देखने के लिए बैठा और हम हार गए तो और हम व्हाट्सएप पे डिस्कशन कर रहे थे कि ये नहीं होगा क्या सीन होने लगा ये नहीं होगा और फिर जो थर्ड मैच शुरू हुआ उसके थर्ड मैच भी हमारा टेस्ट मैच जो गया था इट वेंट लिटरली डाउन टू द वायर आखिरी घंटे के मैंडेटरी 15 ओवर्स मैंडेटरी 15th में से 13th ओवर 14th ओवर यासिर शाह करा रहे हैं यासिर शाह की आखिरी बॉल है वो आखिरी बॉल उन्होंने कराई है आउटसाइड ऑफ वो बॉल पिच की है और शैनन गैब्रियल ने सोचा कि बस आज ही उसने छक्का मारने से दिया तो पहले कभी शायद मारा नहीं उसने वो घुमाया है और वो विकेटों को लगी है एंड फजीर मोहम्मद की जो आवाज है ना व्हाई डू यू दैट वो भी तक मेरे कानों में गूंजती है मैं उसका जब बोर होता हूँ वो रिप्ले लगा के मैं देखे यार ये तो देखने वाली चीज और वहां से फिर हम वो सीरीज जीते थे एंड इट वॉज हिस्टोरिक हम फर्स्ट टाइम वेस्ट इंडीज इसके हमें चांसेस भी काफी सारे मिले थे पहले इमरान खान जब 1980s की टीम थी वर्ल्ड जो वेस्ट इंडीज से सीरीज नहीं हारा हम ड्रॉ नहीं पूरा 10 साल नहीं हारे हमारी तरफ खेला है ड्रॉ उनकी तरफ खेला है ड्रॉ या दे कोई भी नहीं था सो बेसिकली इट वाज लाइक 1-1, 0-0, 1-1, 2-2 इस तरह का था इसीलिए कहा जाता है कि 1980s की पाकिस्तान की टीम इज बेस्ट टेस्ट टीम सो 1999-2000 में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज गया था वसीम अकरम वाले टाइम पे उसमें 5 विकेट ऑल भी था वसीम और सेकंड टेस्ट था या पता नहीं फर्स्ट टेस्ट था जिमी एडम बैटिंग कर रहा था और काउंटी वॉल्श आया था और एक तो ग्लेन मिश्रा ने 3-4 रन आउट मिस किए थे बड़े क्लियर रन आउट थे मतलब लिटरली बॉल नहीं पकड़ी गई उससे और सेकंडली पे ये हुआ था कि स्टीव बकनर जितने किए थे यस जिमी एडम्स का भी पिया था एग्जैक्टली एलबीडब्ल्यू सामने खेलते थे स्टीव बकनर वाज अबाउट टू डू हिज फर्स्ट मर्डर कमिट हिज फर्स्ट मर्डर इन दैट मैच लेकिन 99 में काफी ज्यादा हुई थी मास्टर ऑस्ट्रेलिया से वो बाट को भी हमने सेंटर का पी गए थे खैर वो मेरी मेमोरी है क्योंकि इनका मैच टाइम डिफरेंस होता है ना तो सुपर स्क्वाड के बैठ के देख रहे होते हैं तो आई रिमेम्बर दैट
So even though you were disappointed from the performance, but who were the standout performers for you in the test cricket jo bhi hua? Test is not the hamara standout performance test ko itna khas nahi Yasir Shah because of the number of wickets he managed by the end of the year and apna Sarfraz because wo captain bane uske baad he scored well. Asad Shafiq ne finally apne aap hi match mein kuch century kar li, he had a very bad run. But still average 25 kiya, so not that good. Nahi but unhone thodi form to gain ki na. Ye to keh hi sakte hain. It won't be there next time. Thanks for the optimism. I'll say iske aap hi match mein jo hai na wahi century karke jagah bachana is not sometimes it's a Pakistani norm, isn't it? That's why he had a bad year. लेकिन छह मैच हम सिर्फ दो जीते, वो भी वेस्ट इंडीज में अगेंस्ट अवे जीते, चले होम पे हम हार गए अनबिलीवेबल लोग श्रीलंका से. सो श्रीलंका से हम लोग फर्स्ट टाइम यूएई में हारे, फॉर द फर्स्ट टाइम श्रीलंका से नहीं, हम किसी से भी यूएई में फर्स्ट टाइम हारे. हाँ टेस्ट मैच इज अ ह्यूज, लेकिन वो चले हमें बचत होगी ना, वो काला जादू किया था हमने, उनके प्लेयर ने कहा था, उनके कैप्टन ने कहा, कैप्टन ने कहा, प्लेयर तो शुगर में भी गए थे, कैप्टन सीरियस होके कहा था. बट अगर आप बॉलिंग की बात करें ना, बॉलिंग में हमें फिर भी इनकरेजिंग साइन है, यासिर शाह अगर टॉप पे है तो मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अब्बास सेकंड पे है और वो बड़ी अच्छी एडिशन है आपकी टेस्ट क्रिकेट में, रिप्लेसमेंट्स फॉर गुड. हां एज अ स्विंग बॉलर, नए बॉल से बॉल, तो रिप्लेसमेंट्स फॉर गुड, तो इट मींस के देयर इज होप येट. हां बॉलिंग में तो हम आगे कहेंगे देयर इज होप, मतलब देयर इज होप येट. हमारा बड़ी स्विंग. Coming to the hope and optimism wala part, how was the T20s like? I think usme kafi positive raha hai scene. T20 positive. So like T20 overview. Positive ka overview is, agar hum dekh lete hain, number dekh lete hain. So the numbers kahan dekh rahe hain? I don't think like 10 matches. 10 matches. That's a good number. That's a good number. That's a good number. And ek hum haare the World 11 se Lahore mein. वो तो दोस्ती में आ रहे थे, वेस्ट इंडीज से वेस्ट इंडीज वो तुम दोस्ती में आ रहे थे. दोस्ती में आ रहे थे, शुक्र है मैंने वो मैच लाइव देखा, मैंने पहले वाला लाइव. उस वक्त आप घर पे नहीं थे, आप नौकरी पे थे? नहीं नहीं शाम को मैच था. अच्छा शाम को हुआ था. पीपल डोंट वॉच क्रिकेट एक्टिवली, ऐसे सवाल पूछते हैं. अच्छा ओवरव्यू इन टर्म्स ऑफ नंबर्स लाइक हाउ वर अस. काफी इंटरेस्टिंग था ये बिकॉज हमने एक तो हम टी20 में नंबर 1 रैंक हो गए एंड दैट्स आफ्टर बीटिंग श्रीलंका सीरीज, वो भी हमने बड़ा हैवी उनको हराया, उसमें फेमस अपने हैट्रिक भी ले ली थी, वो कमाल बड़ी देर बाद पाकिस्तान की एक हैट्रिक हुई. बट उसके अलावा अगर आप देखें तो वर्ल्ड 11 से जो हमारी सीरीज हुई थी, सारा प्रेरणा ने हमें मारा था उसमें एक मैच में, बट अदर देन दैट हसन अली परफॉर्मड रियली वेल, अहमद शहजाद, बाबर आजम, कमाल हमारे टॉप टू स्कोरर्स हैं, शुएब मलिक 350 प्लस, शुएब मलिक कंसिस्टेंट एज एवर, वो तो मतलब गेटिंग बेटर विद एज वाला सीन है उनका. मलिक एज एवरेज ऑफ 45 बाबर आजम अगेन आफ्टर दैट Shadab Khan series, he found his form back. Shadab Khan, Hasan Ali, consistent performer in all, not all three, but limited over mein comes. Limited over consistent term. One is test mein to chance nahi mila na itna zyada. So the future looks good. चलो फाइनली ही इज होपफुल, ही इज हैप्पी, ही इज सैटिस्फाइड, दैट्स अ बिग मूवमेंट. हां बड़ी मेहनत करने में टेस्ट में अभी वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो बिकॉज टेस्ट में वी हैव अ न्यू कैप्टन, सो अभी वो भी सीख रहे हैं. और टी20 में भी अब प्रीटी मच सेट, हर बंदे को अपना रोल पता है, बैटिंग बॉलर काइंड ऑफ कंपा टी20 में सेट भी है, प्लस टी20 यार नेचुरली पाकिस्तान बड़ी अच्छी खेलते हैं, गली क्रिकेट खेलते थे आप, गली क्रिकेट खेल खेल के, प्लस यार मैंने कुछ करने वाला मैच है, टी20 बड़ी, टी20 इज द टाइप ऑफ गेम व्हिच एन इंडिविजुअल कैन टेक अवे फ्रॉम यू, तो इंडिविजुअल परफॉर्मर्स तो पाकिस्तान के पास हमेशा बड़े टॉप नॉच किस्म के थे, तो वो हो जाता है जिस तरह बाबर आजम मेनी प्लेस बट तो ही टेक्स द गेम अवे फ्रॉम यू, सर मलिक सिमिलर, शादाब खान सिमिलर, वो चार चार ओवर कराते हैं, 16-17 रन पड़ते हैं, 2-3 विकेट होते हैं, तो ये तो काफी मतलब हमारे पास है, हाईएस्ट विकेट लेकर शादाब खान जिसके 14 विकेट.
अच्छा सो हसन अली को देख लें, वो 12 विकेट, हालांकि उनके इतने ज्यादा T20 का नहीं, हम लिमिटेड ओवर्स में तो थे ही थे, बट T20 के रिलेटेड उनके कोई खास एक्युलेट्स हमें नहीं उसके नजर आ रहे थे. एंड इसको अगर आप देखें अपना बाकी जो हमारे परफॉर्मेंस, अहमद शहजाद ने भी लोकल टूर्नामेंट में परफॉर्म किया विच इज कमेंडेबल, और हालांकि टीम से ड्रॉप कर दी है, पहली दफा उन्होंने परफॉर्म किया है बाकी टीम से निकाल दिया. और शहजाद वाज एक्चुअली वेरी गुड इन अ वे के बड़े अरसे बाद नजर आया, जो उनका एक स्ट्रॉन्ग वो था ना अटैकिंग जो उनकी गेम थी वो नजर आई है, निकल के मारने वाली गेम और खड़े खड़े फास्ट बॉलर को छक्के मारना. हाँ मतलब पोस्ट इंजरी के बाद उनकी गेम पूरी चेंज हो गई थी, वो मतलब क्रीज में बैठे रहते हैं. एग्जैक्टली, और अटैक नहीं करे, नेचुरल गेम से हट गए थे बिल्कुल वो वाली उनकी, तो वो अब थोड़ा चेंज ऑफ एटीट्यूड नजर आया अहमद शहजाद की बैटिंग में भी, बट अनफॉर्चुनेटली उनको कर दी है. आपके यहाँ पे जो आपके एजेड बॉलर है लाइक 34-35 ईयर ओल्ड इज गेटिंग द बेस्ट बॉलिंग फिगर इन आवर हिस्ट्री, कामरान अकमल दैट स्टार्टेड प्लेयर जिसने 2009 में टेस्ट मैच नहीं खेला, तकरीबन 10 साल हो जाएंगे वो अब हाई स्कोर कर रहे हैं. सो आई रियली क्वेश्चन कि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की साइड पे जा रहा है और क्या क्वालिटी वहां पे बॉलिंग और बैटिंग है. ये सारे मंजिल हो गए शहजाद, अगर अपने लास्ट टाइम बात किया था, अगर वो अपने बाकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम काबू पा ले तो इंटरनेशनल प्लेयर, तो फिर बच्चों को तो बाहर ही जाना है. शहजाद है या कोई बॉलर भी है अभी वहां पर और बहुत लोग हैं जो डिजर्व करते हैं चांस, मेरा पॉइंट ये जो खेल रहे हैं जो आपके अभी ओपनर्स खेल रहे हैं. इसमें एक चीज वनडे के बाद में ना सुमान चिंगारी की एक्सपेरिमेंट दूसरे लगा, वो चिमिंडा वास लेवल स्पेल होंगे थी वो, लेकिन चिमिंडा वास ने किसी और के नेदरलैंड्स में खेली थी, हमने फिर से लगाई इसकी. देखो ना उसको अगर आप उस्मान को ड्रॉप कर देते हैं फॉर कॉल विनर हो गए वो तो हो ही गया ना, खुद ही हो गया. कह रहा हूं कि आप उनको ड्रॉप करके आप पाकिस्तान डोमेस्टिक से किसी को लिए वो जाती है, लेकिन अगर हम T20 में ही वापस रहे तो इट्स योर नेशनल T20 कप. मैं उसके आर्गुमेंट में यही बोलूंगा कि उसके अलावा फिर क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए एक प्लेयर का, क्योंकि अगर वही कामरान अकमल की बात, मैं सिर्फ आर्गुमेंट के ऊपर आ रहा हूँ और मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब 2017 में पर्सनली आई हैव सीन एन इम्प्रूवमेंट इन आवर डोमेस्टिक गेम्स एज वेल, क्योंकि मैंने वो नेशनल T20 कप देखा है तो उसमें मुझे काफी फिर भी बेहतर लगा स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स. तो वही है, अगर कामरान अकमल की वही 150 निकालनी है, इवन अहमद शहजाद की 100 निकालनी है, सुलेमान सूद की 89 निकालनी है, तो उन्होंने इस तरह की जो एक सिंगुलर परफॉर्मेंसेज होती है मैच विनिंग, उन्होंने इंटरनेशनल T20s में भी दी हुई है. शहजाद की भी 100 है, ये कामरान अकमल ने आपके 2010 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ जो किया था दोनों अकमल ब्रदर्स ने, तो वो उसमें आप उसको डोमेस्टिक पूरे स्ट्रक्चर को नहीं ब्लेम कर सकते, बट ये है कि अभी जो आपका यूनिट है उसके साथ रहना चाहिए. आई एग्री विद यू, बट फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया और सिस्टम के ऊपर भी बात करनी चाहिए कि वो किस तरह है. आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हम प्लेयर्स को पिनपॉइंट करें, हां बेसिकली अबाउट इंप्रूविंग द सिस्टम, इंप्रूविंग द स्ट्रक्चर. हां बेटर कर लोगे अपनी तो फिर आप स्टैटिस्टिक्स भी डिफरेंट निकलेंगे. अब आसिफ की क्वालिटी भी किसी को शक तो नहीं है, वो बंदा 8 विकेट ले सकते हैं और वो ले रहे हैं. हां we know Asif, we believe it when we see a statistics ki yaar 8 wicket kyunki humne dekha hua hai Asif ko is tarah ki dwai phirte hue, but it, honestly being an outsider is to main sirf score card dekh raha hu ki aur bhai iske flaw flaw bowler ne liye to it's very hard for me to judge, but ha ye selectors ka kaam hai ki wo dekhe exactly pitch ko dekhe us context ko samjhe aur phir faisla kare ki bilkul theek hai decide karna chahiye karna chahiye. So ha T20 aur limited ko agar aap dekhe to we are at a good
जिसका ये भी रिसेंट जो एरा है, मतलब आप 2011 वर्ल्ड कप एरा, आई बिलीव जो 2017 एक ईयर है वो प्रोबेबली द बेस्ट ईयर है आपकी लिमिटेड ओवर क्रिकेट का. मतलब उसमें आप T20 उठा लें, T20 के स्टैट्स तो हैं, और अभी हम वनडे पे आएंगे तो आपका एक यूनिट अब नजर आ रहा है. यूनिट की जो हम बात करें, अब यूनिट एक नजर आ रहा है, आपका एक कैप्टन है, ठीक है, और कैप्टन का नजर आ रहा है कि कैप्टन के साथ खेलने वाले लोग हैं अब, और जो परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंडर, मतलब शादाब हिटिंग अ वंडरफुल सिक्स सामने वाला, ये करेक्टर नजर आता है इन मैच से. यही सीरीज का फायदा होता है जो इंटरनेशनल सीरीज होती है, ताकि इस तरह के प्रेशर से निकल के जब आप फिर बड़े, क्योंकि अभी बिगर पिक्चर 2019 का वर्ल्ड कप है जो एक बड़ा वर्ल्ड कप है, तो उसको अगर देखते हैं तो इस वक्त आपका यूनिट बड़ा स्ट्रांग नजर आ रहा है. तो उसी से ही आगे फिर अब वनडेज पे आ जाते हैं. सो बेसिकली हां, सो कमिंग टू द मेन इवेंट, सो लाइक व्हाट्स योर टेक, व्हाट वेंट वेल, बेस्ट प्लेयर्स, बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी. जिसने कहा था कि हम जीत जाएंगे. अच्छा. और मैंने कहा था, आई एम श्योर आपने कहा कि हम हारे होंगे, बिकॉज यू आर द होने लगी दे वर आर्टी में थी, ठीक है, जो आर्टी में थी. हाँ. हम आठवें नंबर पे थे. हम आठवें नंबर पे, तो मतलब बट पाकिस्तान इज फुल ऑफ सरप्राइजेस यार. तो मतलब यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू बी सरप्राइज्ड. बात आप शायद क्रेडिट देनी चाहिए, हम आज की बात क्रेडिट देनी चाहिए, इन द सेंस कि हमने वो टूर्नामेंट में 8th रैंक गए, हमने वो टूर्नामेंट जीता, उसके बाद हमारी रैंकिंग 8th इतने माशाल्लाह किस्म के पॉइंट पे थी कि हम रोबर्ट के 6th हुए थे. सो ये देखो, मैं हमेशा जो बात कर रहा हूं ना कि वन ऑफ परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इज ऑलवेज गुड. But it shouldn't become an outlier. It shouldn't be like कि फिर हम एक ही जीत के लिए अगले 25 साल ना जीते. 92 के बाद से हमने एक टूर्नामेंट जीता है. Let's admit it. Asia Cup नहीं यार, बीच में Asia Cup जीते. Bangladesh से. He is trying to be so positive. Learn something. तो but my point is कि इसको continue करना जरूरी है. इस चीज को. मिस्पाने हमें छोड़ा था number one पे. More or less हम test में. ठीक है. फिर हम हारे. क्योंकि अभी हम learning process में. Yes. हम जो उस दिन बात कर रहे थे, अब यूनिट आपका तैयार है, अब वही हम उस दिन जो बैठ के बात कर रहे थे कि यार अब सिर्फ प्लेयर बनाने की जरूरत है. अगर सरफराज अब ये अगली सीरीज में प्लेयर्स बनाता है ना, इनको प्रेशर, जैसे शादाब की एक बड़ी परफेक्ट एग्जांपल है, उसने छक्का मार के मैच जितवाया, उसका कितना उसको बूस्ट मिला होगा उसकी बैटिंग में कि यार मैं बैटिंग भी कर सकता हूँ, सही है ना. तो वो इस तरह के अब वही है कि अब प्लेयर्स बनाने पड़ेंगे. फहीम अशरफ से आखिरी ओवर करवाया चैंपियंस ट्रॉफी में, मतलब ये सारी वो करेक्टर्स बनाते हैं आपके प्लेयर के, तो वो अब बनाने की जरूरत है. एग्जैक्टली आपके वाली बात है कि अब टीम आपकी बन गई है, आपका यूनिट एक तैयार है, अब इसको 2019 के लिए इसको प्रिपेयर करें ताकि हम वो जीत सकते हैं. क्योंकि मैं तो अभी भी होपफुल हूँ कि सेमीफाइनल तक हम जाएंगे. मैं जीतने का कुछ नहीं कह सकता, सेमीफाइनल तक हम जाएंगे. क्या बात कर रहे हैं अली यार, वो उसने जो परफॉर्मेंस दी है इन दैट मैच, जब बाबर आजम ने स्लो स्लो खेल के एक सेंचुरी की बड़ी मुश्किल से, फिर शादाब उसके साथ हाफ सेंचुरी करके, और बड़ा अच्छा वो रहा था. मुझे याद है हम देख रहे थे कुछ दोस्तों के साथ, तो कहते हैं स्लो खेल रहे और ये क्या सीन है और इंसान, तो श्रीलंका ने तेज खेलने की कोशिश की, आउट हुए. तो हमारे पास ये दो यंगस्टर्स बाबर आजम एंड शादाब शोइंग कैरेक्टर, नोइंग यार ये पिच स्लो है, खैर स्लो खेलते कुछ नहीं होता टाइप, और उन्होंने खेला स्लो और किस तरह से आपको ये इल्हाम हुआ था कि हम जीतेंगे? Your gut feeling थी, and plus corner try gets, हम whenever we have a bat to the wall, हम कुछ ना कुछ ये मार ही लेते हैं. Not always. कब whenever से मतलब है कि more or less हम कर ही लेते हैं. मतलब जब हम वो टेस्ट मैच भी हार रहे थे तो हमने बड़ी फिट किस्म की परफॉर्मेंस दी, हमारे दो प्लेयर्स हैं, ठीक है, हम हार गए एक्चुअली, बट बैक टू द वॉल पाकिस्तान कुछ ना कुछ कर ही लेता है. आई थिंक हमें वो फिर वी शुड, एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ वी वन द 2009 के T20 वर्ल्ड कप. हम एलिमिनेट होते होते वापस आके जीते थे वो. दैट
लॉजिक ये था कि वहाब रियाज ने इंग्लैंड में भी 100 रन खाए 10 ओवरों में, इंडिया के अगेंस्ट भी 100 रन खाए 10 ओवर, तो वाज मिकी ट्राइंग कि वो इंग्लैंड के अंदर इंडिया के अगेंस्ट 200 रन खाएगा, शायद वो ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहे थे, बट वो उसके बाद हम ये भूल गए कि वो बॉलर है, 100 रन बनाना मकसद आई नो, लेकिन प्रॉब्लम हमारी लॉजिक वेंट रॉन्ग, हां दे स्टॉप दे थॉट के बाद शायद 10 ओवर में 100 रन बनाए हैं, एनीवे लेकिन टेरिबल आई थिंक इट स्टार्ट साउथ अफ्रीका अगेंस्ट मैच हुआ एंड साउथ अफ्रीका इज अ वेरी वंडरफुल टीम, उनको बड़ा टूर्नामेंट मिलता है, बड़ा मैच मिलता है, वो कहते हैं अच्छा चलो हार के देखते हैं, तो वो हमसे 2015 के वर्ल्ड कप में भी जितना हार गए थे, तो इवन दो हमारा स्कोर कुछ भी नहीं था और वो डिविलियर्स और हमला यही लोग थे सारे, साउथ अफ्रीका को तो हरा लेंगे क्योंकि हम बैक्स टू द वॉल दिए वो सारा, और वो फिर बीच में जैनब वास ने एबी डिविलियर्स से सेल्फी भी ली, उनको जीरो पे पहली बार आउट भी करवाया, फिर हम वी मूव्ड ऑन श्रीलंका कैच ड्रॉप and then we moved further, Amir injured ke bawajood Roman Reis stepped up, bench strength jo maar raha tha England ke against, aur England mein Ben Stokes ko aap dekhein 66 balls, Ben Stokes ne ek century bhi, ek boundary bhi nahi ki thi us match, और इसमें ये मतलब मैं ऐड करना चाहूंगा, ये अल्लाह मियां ऊपर से ना एक कोई सिलेक्शन कमेटी बिठा देते हैं, 2019 का हम T20 वर्ल्ड कप जीते थे तो 9 का, तो वो 19 का भी जीत जाएंगे इंशाल्लाह, तो वो ये था कि 2009 में कोई इंजर हुआ था और अब्दुल रजाक आ गया था, यहाँ पे ये हुआ कि वहाब भाई इंजर हो गए फॉर्चुनेटली और उनकी जगह फिर वो आ गए, फिर एमएच आजाद को ड्रॉप कर दिया, तो वही ये काफी अल्लाह की तरफ से एक सिलेक्शन कमेटी बैठती है और वो बस फिर काम शुरू कर देती है, रमजान में था दुआएं थी, ये भी बात है डैमेज कंट्रोल के लिए बैठती है, वरना वैसे तो शुरू से ही ना करें, हाँ फाइनल देखा तो, लेकिन इतना डिटेल आपने जो दे दिया ना मुझे, आई थिंक काफी कुछ मैंने देख लिया है, मुझे अंदाजा हो गया, याद हो गया है, वो फाइनल की तो मतलब फाइनल मैंने घर पे देखा था, फैमिली के साथ देखा था, और हम लोग मेरा छोटा भाई तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे क्रिकेट मेरे साथ बैठ के, मैं अपने फादर के साथ, उनको बहुत शौक है क्रिकेट का, मेरे बड़े भाई को खास ऐसा नहीं था स्पेशली आफ्टर 99 का वर्ल्ड कप, वो मेरे साथ बट वो फाइनल था इंडिया के अगेंस्ट था, फखर जमान नो बॉल पे रिव्यू हुआ, हमने कहा लो जी ये मैच देखने वाले, वो बैठ के साथ, और वो उसके बाद वो मार मार के एंड उसके फाइनल में एक चीज मैंने नोट की थी कि थिंग्स चेंज्ड व्हेन अजहर अली स्टेप्ड अप एंड हिट अश्विन फॉर अ सिक्स, यस उसके बाद फखर जमान खुले थे उस मैच में, अजहर अली आए उन्होंने अश्विन को 6 मारे और उसके बाद फखर जमान ने भी नहीं पीछे मुड़ के देखा और किसी ने भी मार मार के मैच कर दिया, साइकोलॉजिकल तो बैरियर होता है, दूसरा अगर आपका सीनियर स्टेपिंग अप एंड टेकिंग द प्रेशर तो फिर बाकी सारे तो कर ही सकते हैं, फखर ऑलवेज हैड यू नो लेस प्रेशर, अजहर अली वाज द प्लेयर हु वाज सपोज्ड टू स्टे सीनियर प्लेयर है, रुके के लिए ताकि आउट ना हो, फखर कुड ऑलवेज टेक चांसेस और उन्होंने लिए, और फिर आपने क्या देखा था, मैं पाकिस्तान इंडिया में किसी के साथ नहीं देखता तो मैं अकेला देखता हूँ क्योंकि काफी धचके भी लगने होते हैं, जबान भी ऐसी होती है यूज के, बस वो अकेले देखता होता है। इसी से मुझे क्वेश्चन आया है कि कंसीडरिंग पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी हमेशा अप एंड डाउन एंड सुपर अनप्रेडिक्टेबल होती है जिसकी वजह से ये तो सारी उम्मीदें छोड़ चुके हैं, सो व्हाट इज योर सोर्स ऑफ ऑप्टिमिज्म कि नहीं नहीं यू नो ऑलवेज सो होपफुल अबाउट पाकिस्तान, क्या चीज है ऐसी कि एवरी टाइम यू सिट एंड वॉच एन एंटायर मैच एंड टेक डेज ऑफ फ्रॉम वर्क, व्हाई टीम है बट इनकी भी तो है ना, लाइक व्हाट इज इट दैट कीप्स हिम गोइंग एंड आपने उम्मीदें छोड़ दी सारी की सारी,
क्या वजह है, क्या वजह है? दोनों से सवाल ये सेंसिबल है असल में. हमारी हमारी सोच है शायद प्रीति वाली, ठीक है ना, के जी उसने छठे नंबर पे आना है, 99 टाइम्स वो फेल होगा, लेकिन हम वो 1% का वेट कर रहे होते हैं कि उस पे पाकिस्तान. आई थिंक उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कहाँ है, मैं और ये पेट्रियोटिज्म है लोगों का. बट हां इट इज, और वो ऑनेस्टली इट्स लिटिल डाउन टू वन थिंग कि मुझे पता है 99 टाइम्स हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन नेक्स्ट मैच इज अगेन 99%. सो मैं प्रोबेबली नंबर्स के साथ जाके मैं बैठकर पूछ नहीं होने वाला. अगेन स्टार्टिंग पाकिस्तान 8th था चैंपियंस ट्रॉफी में, लास्ट में था. I had no hopes and I have no, you know, regretting, admitting या कोई shame admitting कि मुझे 0% उम्मीद थी कि पाकिस्तान जीतेगा Champions Trophy. Reason हमने कभी जीती नहीं पहली बार, ना हम कोई इतनी set team के साथ आ रहे थे, ना हमने किसी set team के साथ आप stats में believe करते हैं. पाकिस्तान का trend देखना था, एक में final, एक में qualify semi final के लिए, एक में नहीं, एक में qualify के, एक में नहीं, एक में. इसमें कंफर्म था कि हमने सही में तो ज्यादा. अब इंग्लैंड का दिन बुरा था तो हम क्या कर सकते हैं. इंग्लैंड का दिन बुरा था और ऊपर हमारी फाइव फाइटिंग कमेटी बैठती थी. yes. अगर आप उन्हीं प्लेयर को खिलाते रहते जो गलतियां जिन पे मुझे बेसिकली तक थी कि ये प्लेयर्स क्यों खेल रहे हैं. ये कौन से प्लेयर्स थे जरा नाम बताइए. यही दो ड्रॉप हुए हैं और अब बाकी सारे मैच जीत गए. सारे मैच अगेन दे आर गुड प्लेयर्स, मतलब इट्स नॉट सिंस देन अनडिफीटेड सिंस देन. चार वो चैंपियंस ट्रॉफी वाले मैचेस और ये पांच श्रीलंका वाले. अब इट्स नॉट कि उनको दोबारा खिलाना नहीं चाहिए या हमारा कोई पर्सनल वेंडेटा अगेंस्ट देम. उस टाइम पे दे वर आउट ऑफ फॉर्म, हो जाते हैं सारे, हो जाते हैं जितने वहां पे आज कम्स बैक और वो आके कितने मैच जितवा देते. सो दैट्स हाउ एनी स्पोर्ट वर्क्स. बट एट टाइम्स मुझे लगता है कि हम लोगों को हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं और लेने चाहिए. समटाइम्स यू नीड टू गो विद लॉजिक एंड नंबर्स. एक बंदा अगर फॉर्म नहीं कर रहा पिछले 10 मैचों में तो 11वें किसी नए को चांस दे दो इंस्टेड के वो 1% पीछे उसको 11वां मैच खिलाए. दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस. अच्छा सो ये तो ओवरव्यू हो गया पाकिस्तान के परफॉर्मेंस का. बट नाउ दैट यू नो मिसबा, आई वांट टू ऐड समथिंग. जी फरमाइए. मैंने जो मैच, मैंने मैच का देखा मैं. हां आपकी स्टोरी रहेगी. जी जी सर. सो मैं संडे था, सो के हम लोग छुट्टी थी. दस ओवर अच्छे खेले, 20 खेले, फखर जमाने माना शुरू किया, मजा आना शुरू हुआ ऑनेस्टली. उसके बाद अच्छा आउट हुए, थोड़ा सा बंदा डर जाता है कि अब देखो क्या होता है अगले लोग आगे. मोमेंटम ना ब्रेक हो, फिर हफीज आए, उन्होंने आके छक्के मारने शुरू किए, बाबर आजम आए, फिर हफीज आए. तो मैं बैठ के मैच देखता रहा. मैंने बाद में सीन टुवर्ड्स दिया. 330 वाज अ वेरी गुड स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर था. किसी मैं तो 70 पे खुश हो गया था. वो 70 कम मतलब लेकिन अब 300 इन अ फाइनल, इन अ फाइनल अगेंस्ट इंडोर एनिमी का हिसाब लगा के ना, हसन अली और आमिर और ये बड़े फॉर्म में थे. 338 वाज अ वेरी गुड स्कोर अगेंस्ट एनी टीम, एनी टीम वाकई अगेंस्ट एनी टीम इन अ फाइनल. अगली बॉल पे दोबारा कैच पकड़ा, वो सब हो सकता है. एंड उसके बाद जो मैं शेयर आपसे करने लगा था कि जब टुवर्ड्स मेरे ये वाला हिसाब था, हम सब दोस्तों ने प्लान बनाया था मैच इकट्ठे देखेंगे, लेकिन वी वर नॉट श्योर कि व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन द मैच, इसका भी होगा कि नहीं. हम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में लगे हुए, 50 ओवर्स हो गए, पाकिस्तान ने स्कोर कर लिया, थोड़ी सी उम्मीद हुई कि अच्छा, यू नो मैसेज आने शुरू हुए कि यार देखते हैं, मिलते हैं, कुछ मैच इकट्ठे देखते हैं. एक आउट, दो आउट, तीन, चार, जब 5 आउट हो गए ना, फिर वी वर क्वाइट श्योर कि अब हम जीत चुके हैं मैच. फिर हम लोगों ने सबने इकट्ठे होना शुरू किया. सो बाय द टाइम मैच एंडेड, मेरे घर मेरे 5 दोस्त पहुंच चुके थे स्कूल के जमाने के, और हमने देखा, अब्बा भी घर पे थे, भाई भी था, सबने मैच भी देखा, हम सब खड़े होकर गले मिले, अब्बा मेरे 5 दोस्तों से गले मिले. इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी. अब्बा बहुत गए, ईद से पहले ईद आ गई, ईद से पहले ईद आ गई, और वो पहले कभी किसी से नहीं मिले हुए थे, उन 5 से पहले मिल गए और गले शले मिले, सब कुछ हुआ. उसके बाद फिर दोस्त ने कहा कि चलो चलते हैं, मैंने कहा कहाँ जाना है, कहते सबसे ज्यादा शोर शराबा कहाँ होगा लाहौर में, दैट वाज लिबर्टी राउंड अबाउट. अच्छा Then came all the way. Liberty Roundabout, and this is me. This is you. This is me. The Mr. Pessimist.
फिर हम वहां पहुंचे तो वहां ढका छुपा क्लोजेटेड पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा बड़ा फैन है, स्कूल बनते हैं कि हां स्कूल बनते हैं और हम दोनों वो हैं जो वैसे रहते हैं ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन हम मैं जीत के ये भी अपने घर में थे, मैं भी अपने घर में था, मैं तो आंसुओं से रो रहा था, यू एक्चुअली क्राइड, यस आई डिड, जब हमने वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में फर्स्ट टाइम हराया था रात के 3 बजे, मैं उस वक्त खुशी के मारे रो रहा था, ये हुआ क्या, हम हंसते रहे मैंने उसको फोन किया, मैं हंसना रहा हूं, ये हुआ क्या है, आई खुशी के डिडंट क्राई ऑन एनी ओकेजन, बात कर ही रहे हैं तो हम वहां पहुंचे हैं, ये आपके सैंडल चार्टर से पहले तक सारी सड़क ब्लॉक थी, अगर आप जा रहे हो कलमा तो वहां लोग गाड़ियों में पार्क करके, हम लोग गाड़ी वहां पार्क की सर्विस लेन में आगे पहुंचे हैं और लोग वहां पे डांस कर रहे हैं, लोग वहां पे जो है वो धमाले डाले हैं, आपने डाले थे वहां पर, जी मैंने डाली थी, मैं आपको मजे एक डेमो आपने देना अगले एपिसोड में, एक डेमो भी हम करेंगे एपिसोड के दौरान, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं, मैं इनको सुना भी चुका हूं, सो मेरा एक फ्रेंड था वो बीबीए में हम लोग इकट्ठे होते थे, सो उसके बाद मेरी उससे तब से मुलाकात नहीं हुई, एंड ही टर्न वेरी रिलीजियस और बड़ा उसने एक गाड़ी सारी करती, तो उसका एक अच्छा वो ना पर्सोना बन गया, सॉफ्ट स्पोकन वेरी लाइट टॉकिंग पर्सन, तो जब मैं वहां पहुंचा हूँ तो मैं भी जा रहा था टूवर्ड्स जो लिबर्टी राउंड अबाउट है, मैंने कहा सड़क के दरमियान में ना एक बंदे ने टी शर्ट और निकर पहनी हुई है और उसकी गाड़ी है लंबी सी, और वो गाड़ियां रोक के ना उसके साथ एक ढोला खड़ा किया हुआ है, उसको पकड़ के उसने साइड पे किया और उसने गाड़ी रोकी है और उसने डांस करना शुरू कर दिया, ठीक है, और गाड़ियां नोबडी एक्चुअली वाज बॉदर्ड कि हमारी किसी ने गाड़ी रोकी है, लोग आराम से ब्रेक लगा के ना उसको देख रहे हैं, चिलिंग सीन है, जो वहां पे आया तो पार्टी करने आया था, थोड़ा सा आगे गया हूं तो टर्न आउट मेरा वो क्लास फेलो था, तीन बच्चों का बाप है, और ये फुल वहां परफॉर्मेंस खड़े होकर ना इंडिया को गालियां भी दे रहा था और नारे भी मार रहा था, और हम लोग वहां पे रहे हैं, और अगेन सिंस नोबडी न्यू कि हम जी सकते हैं तो देयर वर नो फायरवर्क्स, तो पौने घंटे बाद आके कुछ छोटे छोटे पटाखे लोगों ने चलाने शुरू किए क्योंकि इंतजाम ही नहीं था हमारे जीतने का, वो भी नहीं थी, उसके बाद द बेस्ट एंड आयरनिक पार्ट वाज कि इंडियन गाने लगा के उस पर डांस कर रहे थे, व्हिच वाज क्वाइट आयरनिक, बट सो पाकिस्तानी लाइक गाने का मकसद ये था कि इट वाज फॉर मी It was a great moment के हम लोग as a nation, as a society बाहर आके भी celebrate कर रहे थे। And cricket brings us together. Always, yeah. It does. Cricket does bring us together. For once we had something to celebrate as a nation, as a city. Second जो चीज़ फिर for once तो नहीं, इस साल में दो होगी ना ये श्रीलंका game to play है। हाँ, वो भी बड़ा emotional वो था हमारे लिए, especially considering के मतलब मैं 2009 में जब वो हुआ था the attack on the team, तो उस वक्त मैंने आने FC college गया था, and I was like, you know what, मैं कॉलेज पास ही है तो स्टेडियम के तो मैचेस देखने जाया करेंगे वॉक करके एंड ऑल दैट, एंड दैट नेवर हैपेंड फॉर द 6 फॉर द 8 इयर्स आई वाज देयर, इट नेवर हैपेंड 2015 तक, एंड यार क्या, और उसके बाद जब मुझे चांस मिला, मेरा दोस्त एक फोर्सफुली, जाहिर है वो ये करते हैं दोस्त फोर्सफुली करते हैं, तो ले गया मैच देखा, चलो मैच देखने चलना, नो क्वेश्चंस अबाउट इट, टिकट खरीद के चल लौट गए मैच देखने, सो ओवरऑल अ वेरी गुड ईयर, उसके बाद के जैसे श्रीलंका की तरह श्रीलंका भी यहाँ पे आया, हमने वो भी शॉर्ट T20 आया था, पर क्रिकेट फाइनली केम बैक टू पाकिस्तान, सो व्हिच इज गुड, और आफ्टर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम हमारा ODI में काफी अच्छा साल रहा है, बहुत अच्छा साल, वी वन अ ट्रॉफी मैच ओवरऑल, हमारा मैच खेला 112 लॉस 6-6 में 4 तो ऑस्ट्रेलिया में हारे, एक इंडिया से हार गए थे, एक वेस्ट इंडीज में हार गए थे, अच्छा, सो वी हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, और वो मैंने भी आपसे ऐसे कोई सवाल पूछना था, दैट वी हैव सच अ डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ पाकिस्तान परफॉर्मेंस, जहां आपकी उम्मीदें जागी वो रोए, यू आर ऑलवेज होपफुल, ठीक है, सो नाउ दैट मिस बैंक यूनिवर्स हैव रिटायर्ड, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इन द नेक्स्ट ईयर, वेयर डू यू सी पाकिस्तान परफॉर्मेंस, मिस बैंक यूनिवर्स रिटायरिंग इज लाइक आपके मतलब कोई 150 मैचेस का एक्सपीरियंस, 15,000 रन का एक्सपीरियंस, लाइक अनबिलीवेबल, मतलब दो क्रिकेट पाकिस्तान के क्रिकेटिंग आइकॉन्स, जेंटलमैन ऑफ द गेम, Spirit of Cricket Award मिसबा को मिला, Yunus Khan has always been very क्या कहते हैं positive in his way, वो जब भी क्रिकेट खेलते हैं हर सीरीज में उन्होंने परफॉर्म किया, हर कॉन्टिनेंट में हर रीजन में उनकी सेंचुरी, हर टीम के अगेंस्ट उनकी सेंचुरी, तो फॉर अ लेजेंड लाइक दैट टू रिटायर ये बड़ा वो होता है, मतलब इम्पैक्ट तो होगा टीम पे, बट हमारी जो एग्जिस्टिंग जो लोग आ रहे हैं, who stepped up, आप हारिस सुहेल को देख लें, he stepped up in the series में अच्छा परफॉर्म किया श्रीलंका के अगेंस्ट, जो दो मैचेस में उनको चांस मिला, तो देर इज होप,
हमारे बॉलर्स भी अच्छे आ रहे हैं, मोहम्मद अब्बास को देख लें, वेरी गुड स्विंग बॉलिंग ऑप्शन वो टेस्ट सीरीज में आ गए हैं, तो अभी भी कोई अच्छा चांस है. आई थिंक मिसबाह न्यूनेस का थोड़ा सा ये भी है कि मिसबाह के बारे में खास तौर पर कंट्रोवर्सी हैविंग परफॉर्मड रियली वेल in quite some time. So, ये भी था कि मतलब टाइम आ गया. So, considering these factors or Pakistan ki apni performance in the past, if I ask you, because one of the viewers is asking, ke, will we win in the World Cup in 2019? आप predict कर रहे हैं, हमेशा आप ही करते हैं. What do you think? आपकी gut feeling सब क्या कह रही है? I'll have to go with what Ali said. हम semi-final तक पहुंच जाएंगे, आगे का कुछ नहीं कहते, because team बहुत अच्छी है. And it's in England और हम वहाँ पे बहुत अच्छा perform करते आ रहे हैं. हमारे bowlers को भी experience है, हमारे batsmen को भी वहाँ का experience है. And अगर तो ये उस कॉन्फिडेंस और उस तरह गए जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में गए थे आफ्टर दैट फर्स्ट मैच, तो ये तो फिर अनस्टॉपेबल जगरनॉट टीम. व्हाट अबाउट यू, हमार स्टिल अ पेसिमिस्ट? नहीं, या बिट होपफुल नाउ? बिट होपफुल, बिकॉज़ वी आर एक्चुअली वी हैव द राइट कॉम्बिनेशन राइट नाउ. और राइट कॉम्बिनेशन बात नहीं कि यही सारे प्लेयर हैं, बट अंडर द करंट एडमिनिस्ट्रेशन जो मैनेजमेंट है, वी आर फोकसिंग ऑन यूथ. सो वी आर, अभी हमने वो अगेन नॉट टू पिन पॉइंट, बट वी हैव ड्रॉप्ड अहमद शहजाद इवन आफ्टर दिस फॉर्म to the next tour, which is actually New Zealand ke tour mein, which is actually a good step in the sense ki hum log rely kar rahe hain ya apne purane openers ko at least chance de rahe hain jo bhi khel rahe hain. Ahmed Shahzad ka bahut experience hai, he can always make a comeback. Well, yeah. he will get a comeback anyway, but aap agar aap apne jo current youngster hain unko trust karke unko ek aur chance de rahe ho, to this approach works. Wo aapke bowler ho, aapke batsman ho, aapka captain himself is a young person, he is not like a और अभी अपने टर्म्स में हम लोग जीते हैं, क्रिकेट स्लो कर दी, क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है, लेकिन हम अपने स्टाइल से जीते हैं. I think we have a good chance to recite करना इतना ज़्यादा जिस तरह हमने किया था 2017 को, totals उनके कुछ भी नहीं थे, 2-2-2-6 और psychological barrier आपका एक होता है ना, टूट गया. ये वो बच्चे हैं जो बच्चे यार मतलब 23-24 साल के, these are youngsters. ये वो है ना जिन्होंने 99 की defeat देखी हुई है, ये हमारी तरह के हैं. मतलब देखो आपके under 19 से player आ रहे हैं, these are 21, 22, 23 है, they are youngsters. तो इनको अभी से अपने start of the career पता चल गया है कि how does you know that tastes like victory. जीत कैसे होता है, जीतते कैसे हैं, how to make a comeback. So in that regard, 2019 में जब ये जाएंगे तो they will have a very good idea. Rather than मेरे जैसे लोग जो बैठ के बताते रहते हैं कि आप 25 साल से कुछ नहीं जीते, तो आप उस माइंडसेट से नहीं जा रहे. ये वो लोग हैं जो कहेंगे हम 2 साल पहले जीते थे, 1.5 साल पहले जीते थे, हम दोबारा जीत सकते हैं. So in that case, it's 18 months in cricket is no time. It's no time. Team 4 series की मार होती है. जो टेस्ट क्रिकेट है उसमें आई थिंक हम अभी भी स्ट्रगल करेंगे थोड़ा, क्योंकि उसमें टीम नहीं है और कैप्टन भी नहीं है, तो वो भी हम थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, बट लिमिटेड में वी आर गुड. और टेस्ट क्रिकेट का अगर आप देखें तो द वे ऑफ प्लेइंग हैज चेंज्ड, द टीम्स की स्ट्राइक रन रेट 3+ है. वो और है. अभी हम बात करते हैं ना इसकी, तो फ्यूचर में देखो भी बाबर आजम 872 रन जीत वो वनडे इंटरनेशनल में सेंचुरीज बनाई है. So, चार सेंचुरीज और वो he is just starting his career. Australia में भी सेंचुरी, वेस्ट इंडीज में भी सेंचुरी, तो वो that's a good thing. तो in that context it looks good. ये हमार ने कह दिया. I think we need to like capture this moment. हमार ने कह दिया. जिंक सी ना कर दिया. इंशाल्लाह let's see. All right, so I think on this happy and hopeful note we'll end today's episode and I think काफी डिटेल हमें एनालिसिस मिल गए तीन माहिरीन से, बट इफ यू गाइस हैव एनी सजेशंस, एनी फीडबैक पॉइंट्स, फील फ्री टू ड्रॉप अस अ मैसेज. कोई सजेशन है कि कौन सा टॉपिक हम कवर करें, आज का टॉपिक हमारा बेसिकली था कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इन द ईयर 2017 कैसी रही है. एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट, फीडबैक, एंड थैंक यू सो मच गाइस, बाय.